This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji kya hal hai aap sabka theek hain? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehmane wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24th batch ke lecture number 15 mein khush aamdeed kehta hoon aur उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। आजान सुनने उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये अपने ओरिजिनल नाम से आया करें, मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन ज्वाइन करके बैठा है ना। पहले भी कहा है कि अपने ओरिजिनल नाम से आए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के नाम से आ रहे हैं, इस तरह ना करें। आपका जो भी नाम है आप अपने नाम से आओ, ठीक है। कि आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के नाम से आ रहे, इस तरह नहीं हो। जो भी आपका नाम है आप अपने नाम से आना है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली है ClickBank Affiliate Marketing। ClickBank Affiliate Marketing क्या है? ClickBank एक ऐसा
ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग जिसको लोग ज्वाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और इस पे हम एसईओ करने वाले, हम एफिलिएट के तौर पे ज्वाइन करते हैं और ऑफर्स को प्रमोट करते हैं, इसलिए ये एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है कि एफिलिएट ऑफर्स को हम प्रमोट करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है क्लिक बैंक की। क्लिक बैंक ने पाकिस्तान को अकाउंट देना बंद कर दिया हुआ है, यूएसए को भी अकाउंट देना बंद कर दिया हुआ है, आपको यूके का आरडीपी या यूके का वीपीएन चाहिए होता है बेसिकली अगर आपने अकाउंट बनाना है क्लिक बैंक का, अदरवाइज आपका अकाउंट नहीं बनता। मगर क्योंकि क्लिक बैंक एक हाईली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, तो हम लोग इसकी ऑफर को प्रमोट करते हैं, हम एसईओ करने वाले, तो हमें तो जितने भी प्लेटफॉर्म मिले उतने कम है जी। अब आप लोग ठीक नाम से आए हैं, अपने अपने नाम से आ रहे हो, ये अच्छी बात है। बिल्कुल आप अपने नाम से आ रहे हो, ठीक। अच्छा जी, क्लिक बैंक का जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, अकाउंट आपने यूके या अदर किसी और कंट्री से अप्लाई करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो यूजर नेम है उसमें कहीं पर भी आपका अपना नाम मेंशन नहीं होना चाहिए, लाइक मैंने अपना अकाउंट जब बनाया मैंने फैजान पी के लिखा, क्योंकि जितनी भी ऑफर प्रमोट करेंगे उनके स्टार्ट में ऐसे आएगा। इस तरह ठीक है, तो ये जो हमारा यूजर नेम है वो यूआरएल में ऐड होता जाएगा, तो ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि बाज लोग जो है वो बड़े मुल्क जो है वो अपने मुल्क के लोगों को पसंद करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर हमारी ऑफर के जरिए या कह लो कि हमारे लिंक के जरिए ऑफर को ज्वाइन नहीं करते। आप रेंडमली कोई भी यूजर नेम रख सकते हो, कोई ब्रांड नेम रख सकते हो, ब्रांडेड नेम रख सकते हो, ब्रांड नेम नहीं ब्रांडेड नेम रख सकते हो, कोई भी जेनेरिक नेम रख सकते हो। आपने अपना नाम कहीं पे या कंट्री का नेम कहीं पे मेंशन नहीं करना अकाउंट क्रिएट करते वक्त, इस चीज का ध्यान करना। फोर्टीन डेज बाद पेमेंट मिल जाती है क्लिक बैंक की। पाइनियर की जो यूएस बैंक की डिटेल है वो अटैच हो जाती है और क्लिक बैंक के साथ, ठीक। और ऑफर निकालना नहायत आसान है।
ये क्लिकबैंक की हम जब मार्केट प्लेस में आते हैं, यहाँ पे तमाम कैटेगरीज में दी जाती हैं। हम किसी भी कैटेगरी के ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ। इसकी ग्रेविटी है 58, 20.96 इसकी इसकी एवरेज वैल्यू पर सेल है, ठीक है। और कैटेगरी आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, उसमें म्यूजिक है और ऑफर लिंक होता है क्लिकबैंक के अंदर, उसको बोलते हैं हॉप लिंक, ठीक है। हॉप लिंक, ठीक है। और जो प्रोडक्ट सेलर होता है उसको बोलते हैं वेंडर। प्रमोट पे क्लिक करते हैं हम, जनरेट हाफ लिंक्स ये मिल गया अभी इसको हमें काम कर। ऑफर में पियानो फॉर ऑफ हाफ लिंक ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिली, मैंने इस प्रोडक्ट को देखा, ये एवरेज डॉलर पर सेल जो है वो 20.96, यानी कि इसका एवरेज डॉलर पर सेल है। हमने एक ऑफर को जो है सेलेक्ट किया है, क्या है लिंक कीवर्ड फाइंड करने का। सीपीसी
विनिंग कीवर्ड्स निकालने के लिए जो क्राइटेरिया है एक है हमारे पास मेथड नंबर वन, दूसरा है मेथड नंबर टू। मेथड नंबर वन क्या है मैं बताता हूँ, उससे पहले ये बात समझ लें कि हमें चाहिए बाइंग कीवर्ड्स, क्योंकि हम प्रोडक्ट को सेल करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, ठीक है। बाइंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जिनको यूज करते हुए यूजर जब आता है, सर्च करवा कर आता है, तो वो चीज परचेज करे, ठीक है। उसका 60-70% 80% दिमाग बना हुआ होता है बाइंग कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड को कहा जाता है, ठीक है। तो एक कीवर्ड हो बाय पियानो में से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो बाइंग कीवर्ड है, जिससे हमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सेल मिलेगी? कोई बता सकता है ये? जी चैट में कोई बता सकता है? और ठीक है, सभी नहीं है जी। जो पहला कीवर्ड है बाय और आखिरी कीवर्ड है, उसमें पोटेंशियल बेसिकली ज्यादा है बाइंग की, यानी कि यूजर दिमाग 60-70-80% बना हुआ होगा कि उसने बाय करना ही करना है। उसके अलावा एक कीवर्ड है पियानो और आल, ठीक है। लोग इस प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, देते हैं, रिव्यू जरूर पढ़ते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। समझ आइए मेरी बात। तो क्या होता है कि रिव्यू जो होता है वो जरूरी होता है। तो रिव्यू के जितने बड़े हैं उनको यूज करते हुए जब लोग आते हैं तो
वो प्रोडक्ट खरीदते ही खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा मैं गूगल एडवर्ड, अच्छे रिव्यू पढ़ेंगे ज्यादा जल्दी खरीदेंगे, बैड रिव्यू पढ़ेंगे बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे। हमने मैसेज नंबर कम यूज करते हुए अपने विनिंग कीवर्ड तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो भी देखते हैं। अच्छा, ग्रेविटी जो सबसे पहला मेट्रिक है विनिंग प्रोडक्ट का, वेब कैलो के बेस्ट प्रोडक्ट का, इसलिए है ग्रेविटी। बेसिकली ग्रेविटी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी ज़्यादा सेल हो रही है, रिफंड रेट क्या है। रिफंड रेट कम होगा तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, रिफंड रेट ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्यों है ग्रेविटी? बेसिकली हम ग्रेविटी को देखते हुए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ग्रेविटी बढ़ती है प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से। ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी।
जो मेथड नंबर वन है उसके मुताबिक हम जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी कर रहे हैं, उसका नाम उसको देख रहे हैं आया कि उसके अपने हैं कि नहीं। सबसे पहला जो कीवर्ड फाइंड करने का मेथड है वो है यही। अच्छा, यहाँ से लोकेशन हमने यहाँ से चेंज करनी है, उसको करना है यूएससी। पियानो फॉर ऑल कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इसकी अपनी 1K से 10K से अच्छी है। सबसे पहला मेथड यही है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम जो है उसको हमने सर्च करवाना है। जैसे कि हमें मिला पियानो फॉर ऑल और पियानो फॉर ऑल रिव्यूज, सौ से वन 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 थाउजेंड सर्चिज हैं, इनके 1K सर्चिज हैं, तो ये एक अच्छा कीवर्ड है ये भी। इस कीवर्ड को हम पहला कीवर्ड है तो हम इन्वर्ट को हम अगर यहाँ चेक कर इसका केसी कितना है। तेरे पेज पे जाकर के ये इसका कीवर्ड का फंक्शन तकरीबन 39 है। ऐसा कीवर्ड तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद जो इसको कीवर्ड पे आना पड़ा इसको ये 6 डेट तक होगी 18 इसकी इसलिए। इसके हम चेक कर लेंगे एसएम रश को या एचरेफ को यूज करके इस कीवर्ड के फर्स्ट 10 कंपटीटर्स के प्रॉपर देखेंगे कि क्या बैकलिंक्स है, क्या रेफरेंस डोमेन है। वैसे टॉप 10 के देखेंगे पूरे, यानी कि 10 के 10 के देखेंगे। आज के लिए इतने ही, यहीं से मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा लेक्चर। इंशाल्लाह कल लेक्चर 7 o'clock होगा, यानी कि मगरिब के फौरन बाद होगा इंशाल्लाह। और कोशिश यही है कि आप लोगों को कल की इवेंट का कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि उसके बाद अमेज़ॉन का भी अभी स्टार्ट करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी 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 इसकी वेबसाइट बनाएंगे उमर, लैंडिंग पेज नहीं, वेबसाइट बनाएंगे, कंप्लीट साइट बनाएंगे, एडसेंस की भी, क्लिकबैंक की भी, अमेज़ॉन की भी, सीपीए की भी। ठीक हो गया। ओके जी, ओके।